हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं बनाने वाली हूँ एक क्विक स्नैक जो कि है पनीर और उबले हुए आलू की। दिस रेसिपी इज़ गुड फॉर एनी ओकेजन्स। इसको बनाने में बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो चलिए फटाफट से इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए हैं 2 उबले हुए आलू। इनको मैं अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। ये देखिए ग्रेट हो चुके हैं। अब इसके अंदर मैं पनीर ऐड करूँगी। पनीर ऐड करके मैं इसमें 2 छोटी चम्मच नमक डालूँगी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर ऐड करा है, 1 हरी मिर्च और धनिया पत्ता। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें मैंने ऐड किया है चिली फ्लेक्स और ओरिगैनो। अब मैंने एक प्लेट पे थोड़ा सा घी ग्रीस कर लिया है, पूरी प्लेट पे घी लगा लिया है और ये जो मिक्सचर हमने बनाया है इसको हम पूरे में फैला देंगे एक जैसे। अब इसमें मैंने यूज़ किया है एक हार्ट शेप का कटर। आप चाहे तो कोई भी शेप दे सकते हैं इसको, राउंड शेप या फिर कोई भी शेप देना चाहें। ये देखिए अब मैं ऐसे ही बाकी पीसेस भी तैयार कर लूँगी। ये देखिए सारे पीसेस बनके एकदम रेडी हो चुके हैं। तो अब मैं एक प्लेट में लूँगी ब्रेड क्रम्स। ब्रेड का चूरा मैंने ले लिया है और इन सारे पीसेस को मैं ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कवर कर लूँगी। इसमें मैंने चिली फ्लेक्स भी ऐड करा है। अब ये सारे पीसेस बनके एकदम रेडी हैं फ्राई होने के लिए। अब इनको एक एक करके हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए इनको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। ये देखिए एकदम क्रिस्पी स्नैक बनके हमारा बिल्कुल तैयार है। आई होप यू ऑल इन्जॉयड दिस वीडियो। If you do, then please give it a thumbs up and subscribe to my channel for more recipe. Until next time, keep cooking.